पहाड़ियों के दरमियान वापे एक पुरसकोन घास के मैदान में सामी नाम की एक छोटी और खुशगवार चिड़िया रहती थी। सामी के पास एक तोहफा था जिसने उसे घास के मैदान में मौजूद तमाम परिंदों से अलग कर दिया। इसका खूबसूरत मधुर गाना। हर सुबह जैसे ही सूरज तुलू होने लगता, सामी एक शाख पर बैठ जाती और सबसे मीठे गीत गाती जिससे घास का मैदान खुशी से भर जाता। सामी का गाना इतना दिलफरेब था कि दूर दूर से परिंदे सुनने के लिए घास के मैदान में आते। वो हैरत ज़दा होकर बैठ जाते, इसकी मौसीकी से मसहूर होते और सामी की गैर मामूली सलाहियतों की तारीफ करते। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सामी की शोहरत फैलती गई और उस के साथ साथ इसकी अना भी बढ़ती गई। इसे यकीन होने लगा कि वो घास का सबसे अहम परिंदा है। इसने अपनी गाने की महारत पर फख्र करना शुरू किया और जब वो गाने की कोशिश करते थे तो अक्सर दूसरे परिंदों को रोक देते थे। एक दिन ओलिवी नामी एक आजिज बूढ़ा आलू घास के मैदान में आया। इसने सामी के गाने के बारे में सुना था और ये देखने आई थी कि आया ये हाइप के मुताबिक है। सामी दिखाने के शौकीन ने खास तौर पर पेचीदा और शोख गाना गाना शुरू किया, लेकिन ओलिवी ने अपनी बरसों की हिकमत के साथ कुछ परेशान किन देखा। सामी गाना अपना दिल जान खो चुका था। अब ये मौसीकी की खुशी बांटने के बारे में नहीं था, ये दूसरों को मुतासिर करने के बारे में था। सामी के खत्म होने के बाद वो ओलिवी की तारीफ का बेताबी से इंतजार करने लगा, लेकिन तारीफ के बजाय उसने कहा, आपकी गायकी बिलाशुबा मुतासिर किन है सामी, लेकिन याद रखें कि मौसीकी की असल खूबसूरती नोटों की पेचीदगी में नहीं है बल्कि इसके जज्बात और इससे दिल को जो खुशी मिलती है इसमें है। ओलिवी के अल्फाज से सामी हैरान रह गया, शर्मिंदगी और आजजी का इम्तिजाज महसूस किया। इसने महसूस किया कि वो बेहतरीन बनने पर इस कदर मरकूज हो गया है कि वो अपने तोहफे का असल मकसद भूल गया है, दूसरों को खुशी देना। अगले हफ्तों में सामी ने अपना नुक्ता नजर तब्दील करने का फैसला किया। इसने दूसरे परिंदों के गाने सुने और उनकी मुनफरिद धुनों को सराहना सीखा। इसने अब उनमें कोई खलल नहीं डाला बल्कि इसके बजाय हम आहंगी में शामिल हो गया, जिससे घास का मैदान बहुत सी आवाजों के खुशी के साथ गुंजतन रहा। जैसे ही वो दूसरे परिंदों के साथ गा रहा था, सामी ने तकमील का गहरा एहसास महसूस किया। इसने महसूस किया कि मौसीकी की असल खूबसूरती इसे दूसरों के साथ बांटने में, इत्तेहाद और इत्तेहाद का एहसास पैदा करने में है। तब्दील शुदा चिड़िया की बात तेजी से फैल गई और दूर दूर से परिंदे न सिर्फ सामी के गाने सुनने बल्कि इसके साथ गाने के लिए घास के मैदान में आए। घास का मैदान हम आहंगी और दोस्ती की जगह बन गया, जहां हर कस्म के परिंदे मौसीकी के लिए अपनी मुश्तरका मोहब्बत में मुत्तहिद हो गए। और यूं सैमदी गाने वाली चिड़िया ने आजजी और अपने तोहफे की हकीकी ताकत के बारे में एक कीमती सबक सीखा। इसकी धुनें मुर्गजारों को खुशियों से भर देती थी, लेकिन अब वो एक याद दहानी थी कि सबसे खूबसूरत गीत वो होते हैं जो दिलों को हम आहंग करते हैं।